हाँ बाल कौन लेकर का था? औरत ने आदमी ने इसका क्या लगेगा? कौन लेकर का था? आदमी था औरत थी? वो आदमी था। इसका क्या लगेगा बताइए? क्या चीज इसका क्या लगेगा? वो जो लेकर के गया हो क्या? मैं पूछाऊंगा ना, मैं नाम जरा दो मिनट सबर। झगड़ लो कुत्ते के साथ में। हाँ कौन था वो? हिंदू का था मुसलमान का था आदमी? साईं बता दो अभी काट दूंगा पूरा। कौन था वो? हिंदू का था मुसलमान का था? हिंदू का था। अच्छा और क्या लेकर का था? बाल के अलावा और क्या लिया था? इसके घर के लिए तो सब कुछ लिया था। क्या क्या? सब पूरी यही थी तो लेना क्या है। अच्छा और इसके माँ पर बहनों पर भाइयों पर भी जादू किया क्या? हमको नहीं पता। तुझे क्या हुक्म दिए? बच्ची को मार दे बोले मधु को? नहीं। हाँ तड़पा? हाँ। क्या क्या कर बोले? सब जो मर्द करता अपनी औरत से। क्या क्या करता तू? बहुत कुछ करता हूँ। अच्छा तू बाद में इसको मार कर साथ में लेकर भी जाने वाला था, शादी करके रहने वाला था? हाँ हाँ। और तू इसका खून भी पी रहा था क्या बॉडी में का? हाँ। और रोज पीता मास पूनम को पीता या 8 दिन में एक बार पीता इसकी बॉडी का खून? शरीर में का खून इसके कितने बार पीता तू? रोज पीता है या 8 दिन में एक बार या महीने में एक बार या मास पूनम में? मास पूनम में। अच्छा और इसको क्या क्या तकलीफ दे रहा था मधु को? शारीरिक दिक्कत। क्या शारीरिक दिक्कत क्या दे रहा था? और मैं तो पूरा जला दूंगा, पूरा राख कर दूंगा जलाकर। काट दू ये हाथे? हाँ। जोर से बोल। नहीं। जोर से चीख मार। नहीं। जोर से नहीं। जोर से इतनी आवाज है तेरी कमबख्त? कहाँ से लाए थे तुझे? शमशान से पकड़े थे? कब्रिस्तान से पकड़े? कब्रिस्तान से लाए थे। कौन से गांव के? कौन से गांव के? ये नहीं पता। सही बताने तो काट दूंगा। सही बता रहा हूँ। अच्छा और इसके घर पे और भी लोगों को जादू टोना किए? माँ बाप बहन भाइयों को? इस पर ये नहीं बताया। और इसके घर में क्या कर रहा था तू? लड़ाई झगड़े लगा रहा था? हाँ। और पैसा कौन उड़ा दे रहा था? घर में की बरकत कौन खत्म कर रहा था? तू ही कर रहा था क्या वो? नहीं। कर्जे में कौन डुबा रहा था वो लोगों को? सब पैसा बर्बाद हो गया कर्ज में डूबना बोलकर कौन कर रहा था ये? मैं नहीं करता। तू और क्या तकलीफ देता? मैं इसी को बस तकलीफ देता हूँ। और बस ये मेरी है। ऐसा तुझे लगता तू इसे लेकर जाएगा? हाँ। तू इसको कब मारने वाला था? मास में पूनम में? अभी नहीं मारने वाला था। फिर भी कितना वक्त बचा था इसको मार कर साथ में? शादी के बाद। शादी के बाद इसकी शादी हो जाती थी। हाँ। उसके बाद मार कर ले जाता था तू साथ में? हाँ। कहाँ ले जाकर रखने वाला था? शमशान में कब्रिस्तान में? अपने साथ ले जाता, जान लेता वहां ले जाता। अच्छा इससे पहले कितने बच्चियों को मारा? कितने लड़कियों को मारा? मारा नहीं हो किसी को। पहली एज मिली। हाँ। अब क्या करना? तेरे दांत तोड़ दूं क्या दोनों? नहीं। और उसके इसमें दांत गड़ा कर खून पीरा उखाड़ के फेंकने लगा तू बाहर? हाँ। नहीं। बच्ची को और क्या तकलीफ देता था? मैं तुझे वो पूछा, बता जल्दी मुझे। बताएगा या काट के भस्म कर दूं? बता रहा हूँ। बस ये बच्ची को मारने वाला कब था? 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, फाइनल कब मारने का था? अभी नहीं मारने वाला था। मौका देख के मारने वाला है क्या? जैसा टाइम मिलेगा वैसा लेकर चल जाने के साथ में। तो इसको तो एक्सीडेंट करा के मारने वाला था, सुसाइड करा के मारने वाला था या फिर कोई बीमारी पर डालकर मारने वाला था? कैसा सुसाइड करने वाला था? इसको सुसाइड करने लगाने वाला था? हाँ। कैसा कराने वाला था? क्या वाला सुसाइड? मैं ऐसा कहते रहते हैं यहाँ टूट जाओ, यहाँ ये करो, कभी ना कभी तो कूदती ना। अच्छा तू इसके मन में वसवसे डालता, उसके दिल दिमाग में से ख्याल लाता, बोड़ी में कूद जा, नदी में कूद जा? हाँ तो नहीं करती है ना। अच्छा जादू चलाते वक्त इसको किस चीज में मिला कर खिला कर जादू चलाए थे? लौंग में। कहे में? लौंग में। लौंग में पढ़ कर लाया था। हाँ। अच्छा जादूगर को कितना रुपया दिया था जादू चलाने के लिए? There can only be one way.
क्यों खुद ही करा उसने। अच्छा जिसका बाल जिसने लेट गया उसका क्या नाम है, वो इसका कौन होता रिश्ते में? हरदया शर्मा। कौन है वो? हरदया शर्मा। कौन है? हरदया शर्मा। जोर से बोल सब। हरदया शर्मा। कौन है? जोर से बोल। हरदया शर्मा। बच्ची का कौन होता वो? पापा। हाँ पापा। बच्ची का बाप ही बच्ची को करे ना, झूठ बोल रहा है क्या? क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? खूबसूरत थी। हाँ इसीलिए खूबसूरत तो क्या जादू कर देंगे किस पर भी। हाँ उसके बाद उसको पैसा नहीं देता था। हाँ कमाता था तो अपने बच्चों को करता था, उसको पैसा नहीं देता था। वो क्या काम करता था? वो लकड़ी काम करता था। और इसका बाप क्या करता था? इसका बाप पोस्ट में रहता था। इसका बाप अभी है? मर गया। पैसा लेकर मर गया, सारा पैसा लेकर मर गया। कैसा क्या मारा इसका बाप? वही मार दिया। कैसा मारा उसने? ओवर देकर। क्या उगड़ देकर? दारू पिलाकर। पंखे की स्पीड कम कर। हाँ क्या करा था उसने, क्या करके मारा? अगर दारू पिलाकर हार्ट अटैक दिला दिया। दारू पिलाकर मारा? हाँ हाँ कैसा, कब मारा? शाम को मारा, एक बार दो हार्ट अटैक। एक साथ दो हार्ड लाकर मारे उसको। हाँ। तो तू नहीं मारा था क्या जाकर? तुझे ही हुकुम दिए थे या दूसरा शैतान भेजे थे वहाँ? दूसरा शैतान भेजे थे, मेरा ही काम है, मैं इसको रहता हूँ, हर जगह थोड़ जाता हूँ। अच्छा इसके बहन भाइयों को भी परेशान कर रहे हो क्या? नहीं मैं नहीं करता। उस पर कौन दूसरा छोड़ा हुआ है क्या? नहीं पता हमको। सही बता दे। नहीं पता हमको। सही बता दे। सही बता रहा हूँ। क्यों किया उसने बच्ची पर जादू, क्यों किया? माधव क्या नाम उसका? माधवी मधु। मधु पर क्यों जादू किया? बाप को ज्यादा समझाती थी। क्या समझाती थी? पापा यहाँ पे पैसा मत बर्बाद करो, यहाँ पे करो। अच्छा बाप को राय देती थी वो। हाँ। तो इसलिए बच्ची बहुत होशियार थी। हाँ। बोलकर इसको मारने के लिए चला दिए। हाँ। सही इसके बाल कौन लेकर गया था? उसके वही लेकर गए। क्या नाम है उसका? हरदया शर्मा। कहाँ से बाल उठाया था इसके? वो घर का ही है तो वही पे उठा दिया था। लड़की गई थी बाल की, पापा बाल नहीं बढ़ रहा है, बाल थोड़ा बढ़ने के लिए कुछ कर दीजिए, तांत्रिक है वो। तो बाल कहाँ से उठाया था उसने? काट लिया था बाल। काट लिया था। हाँ। कौन सा दिन था जिस दिन बाल काटा था? बृहस्पतिवार। हाँ बृहस्पतिवार। अच्छा और शुक्रवार को लेकर गया। तो दिन के वक्त, शाम के वक्त? शाम के वक्त। फिर कहाँ लेकर गया? शमशान कब्रस्तान, माता के मंदिर में। अच्छा वहाँ ले जाकर वहाँ से जादू कर रहा था। हाँ। वहाँ मंदिर में क्या करता हो बैठ कर? तांत्रिक करता है। अच्छा और तुझे कहाँ से पकड़ा? शमशान से कब्रिस्तान से? कोई मुझे दूसरा लाके पकड़ के दिया था उसको। अच्छा फिर इधर ट्रांसफर कर दिया। हाँ। इसके आने में तुझे। और इसको जो लॉन्ग पढ़ के लाया था उन्हें कहाँ से लाया था? शमशान से कब्रिस्तान से? वो वही माता मंदिर से। उसने खुद पढ़ा था या दूसरे से पढ़ा के लिया था? वो खुद किया था, दूसरे लाके दे दिया फिर वो खुद कर दिया। ये बच्ची पर जादू चला है जब इसका उम्र कितना था? कितना था? 8 साल की। अच्छा कैसा करना आप तुमको नालायक, तेरे हाथा काट के भस्म कर दूं? नहीं शादी करवा दे। किससे? किससे नहीं जमेगा ना, ये इंसान की दुनिया, इंसान की दुनिया में शैतान की मनमानी में चलेंगी ना। शैतान की दुनिया लग रही थी, तेरे दुनिया में जा, तेरे दुनिया में जाकर ढूंढ लड़की। हाँ हमारे इंसानों की दुनिया में क्या है तेरा? कोई भी चिरोड़नी ढूंढ, जिन्नात की ढूंढ, कोई मरे वाली ढूंढ, जो तेरे को पसंद आई वो कर। इंसानों की दुनिया की नहीं ले जा सकता ना तू मार कर। और तेरे हाथ काट दूंगा दोनों, और तेरे हाथ काट के ले लूंगा, बगैर हाथ का तू फिरेगा तो तेरे दुनिया में मेरा नाम खराब हो जाएगा ना। लोग बोलेंगे कि मैं देखो इस पर जुलूम किया, इसके हाथ काट दिया। और तेरा जुलूम दिख रहा नहीं क्या लोगों को, सबको? तू लोगों के आंगों में घुसकर तकलीफा दे रहा तो क्या कर रहा है? बच्ची की शादी नहीं होने दे रहा? माधवी की शादी नहीं होने देता तू? शादी कहाँ होगी? रिश्ता नहीं लगने दे रहा? क्या करता तू उसको, रिश्ते नहीं आने दे रहा? हाँ जो भी लोग आ रहे रिश्ते वाले उनको भगा दे रहा क्या? हाँ तो तू ही नहीं आने दे रहा हूँ ना, रास्ते में रुकावटें डाल रहा हूँ सबके, क्योंकि तुझे डर है इसकी शादी हो गई तो फिर तेरे को हट जाना पड़ेगा, सब कुछ सोच रहा हूँ तू। अभी बड़ी वाली होगी तब तो मैं टेंशन लूंगा ना। बड़ी बहन तो बड़ी बहन को क्या करे थे, उसको भी जादू किए थे क्या? नहीं। हाँ बस ये।
पिता का सपोर्ट करती थी इसलिए। तो बड़ी बहन को, बड़ी बहन का तू काय टेंशन ले रहा है उसके शादी हो गई बोलकर? नहीं तो उसके शादी में होने नहीं दूंगा, ना बड़ी वाली को होगी ना इसकी होगी। तो बड़ी वाली की भी नहीं होने देगा तू? उसकी हुई शादी? नहीं नहीं। क्या कर रहा तू, बड़ी वाली के रिश्ते नहीं जमने दे रहा क्या? नहीं। क्या कर रहा है रिश्ते? हाँ, क्या कर रहा है तू? रिश्ते पसंद ही नहीं आ रहे। हाँ? रिश्ते उसे पसंद ही नहीं आ रहे। अच्छा रिश्ते पसंद नहीं आने दे रहा तू उसके? हाँ। और भगा दे रहा उधर से उधर? हाँ। क्या करना तेरे हाथ काट के बाहर टांग दू क्या कमबख्त नालायक? तू इससे काय शादी कर रहा? तू इंसानों की दुनिया में नहीं कर सकता ना, तू जा तेरे दुनिया में खुश रहे, तो हमारे दुनिया में मनमानियां करेगा तो फिर मैं तेरे हाथ काटने का हुक्म दे दूंगा, फिर मेरी फौज तुझे जकड़ लेंगी, फिर तेरे हाथ काट देंगे, देखा ना कैसे मारते हो आग लगा के पूरे हाथों में, तो फिर तेरे हाथ काट के बाहर टांग देंगे, या तेरी मुंडी काट कर ले लेंगे, तेरा धड़ीस के साथ छोड़ देंगे, या तेरे दो टुकड़े कर देंगे, फिर तो तेरे दुनिया में तुझे तो रिश्ता भी नहीं लगेगा, फिर तो तू वो हो जाएगा अपाहिज, शैतान बन जाएगा, इसलिए काहे मनमानियां कर रहा, छोड़ दे और छोड़ कर चले जाओ का, समझ गया क्या? और दवा कहाँ अटके वाली है इसको खिलाए वाली, कलेजे पर है या दिमाग में जाकर बैठी या पेट में है? पेट में। अच्छा कितने साल से बैठे है ये दवा वो? तोबा तोबा कर, चल दो हाथ उठाकर ऊपर, मुंह पर मार कर खुद के, बोल तोबा तोबा चिल्ला कर, सुने आना मुझे, जोर से आवाज लगा, तोबा 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 तोबा, जोर से, तोबा 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 तोबा, और जोर से। इसका पढ़ाई में वढ़ाई में मन भी नहीं लगने दे रहा था क्या? नहीं। और क्या कर रहा था? वक्त करीब आ गया था क्या इसे साथ में जाने के लिए? सही बोल। चलो इसको जकड़ के रखो, इसको तेजी के साथ में बोल, क्या सुलूक करना तेरे साथ में? तुझे बाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूं या फिर तेरे दो टुकड़े करके छोड़ दूं, एक टुकड़ा इधर बाहर टांग कर दूसरा उसके साथ में भेज दूं, क्या करूं? बोल बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। जल्दी बता क्या करेंगे तेरे साथ में सुलूक? अब साथ में और कोई नहीं इसके साथ? क्या इसके साथ में और कोई है? और तेरे साथी हैं क्या रे? कितने हैं? दो। कितने हैं? दो है। दो साथी है और? तेरा नाम क्या है? साथी का नाम क्या है तेरे? बता। शमशान में रहते हैं। हाँ? शमशान में रहते। जोर से बोल। शमशान में रहते हैं वो। शमशान में रहते हैं। और कब आते हैं इसको परेशान करने के लिए? बोल। जाता। अच्छा और तू इसको अपनी बीवी बना कर रखा क्या? हाँ। क्या बीवी रात में परेशान करता है तू उसको? हाँ। हाँ? हाँ। और खून भी पीता है उसका? हाँ। कहाँ से आए थे तुम लोग? बलिया से। हाँ? बलिया जिला से। बलिया यूपी से? यूपी। यूपी से बलियन? बलिया। बलिया बलिया जिला बनारस के साइड में। अच्छा अच्छा कितने बार हाजिर होता है इससे पहले? ये तो 24 घंटा सर्विस पर रहता है। नाम किसी का लिया था क्या? नाम तो इसका पहले भी लिया था, बहुत बार हो चुका है। अरे सही बोल रहा है क्या? उन्हें डाला था क्या? हाँ। चल अब बोल, अब तेरे साथ क्या करूँ? तुझे फाइनल तुझे मार के पसंद कराऊ या तुझे फिर जला कर राख कराऊ या तेरी शक्तियां खत्म कराऊ, क्या करूँ? क्या इज्जत से ज्यादा छोड़कर दोबारा दिखना नहीं मुझे उसके आंग में? अगर दिखेगा गलती से भी तो सेकंड राउंड में छोड़ूंगा नहीं, फिर पूरा मार के टुकड़े टुकड़े करा के खत्म कर दूंगा। बहुत बार बाबा एग्रीमेंट किया है। बहुत बार। अरे फिर क्यों वापिस आ रहा था? हर बार जा रहा था तो फिर क्यों वापिस आ रहा था? अरे बाबा ये तो बोल रहा था कि किसी का दम है तो हमको हटा करके दिखा दे, बोल रहा है। अरे ऐसा बोलता? हाँ। काट दो तेरे दोनों हाथ अभी, तोबा तोबा कर जल्दी दोनों हाथ उठा के, तोबा बोल जल्दी चिल्ला के, मुंह पे मार के नाला है खुद के। हाँ, बोल तोबा 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 तोबा, जोर से करेंगे आप दोबारा परेशान? हाँ। जोर से बोल। नहीं। करेंगे उसके आंग में घुसकर परेशान? नहीं। करेंगे उसे टच रात में कभी आकर? नहीं। हाँ? नहीं। मानेगा उसको अपनी बीवी? नहीं। डालेंगे उसकी शादी में रुकावटें? नहीं।
करेंगे उसके पड़ी से जहन हटाएंगे उसका। हाँ एक मौका दिया जाएगा तुझे, एक मौका, अगर तू नहीं सुधरेगा तो फिर देखा ना मैं तेरे हाथ काट के भस्म करा दूंगा। चल उसको छोड़ो, निकल दोबारा, कभी नहीं आना उसके आंग में। हाथ हटा दो, अंदर पानी डालो उसमें। अरे माधुरी, क्या नाम है उनका? माधुरी। पानी पियो। अभी यहाँ कुछ सवाल जवाब तो कुछ याद है क्या? क्या हुआ, कुछ याद है? 10 मिनट बाद याद आ जाता है। अच्छा पहले कुछ भी याद नहीं? नहीं पहले नहीं तो। अच्छा ये कौन है? मम्मी है। ये भैया है। अच्छा सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मारते रहना, सुबह शाम दो तीन टाइम, और जब भी उन्हें अगर आने की गलती करा तो फिर मारना। और पकड़ो ये उद्वाल की बॉटल लेकर पानी की। उद्वा का पानी बढ़ाते रहना, पिलाते रहना, बढ़ाते रहना, पिलाते रहना, ज्यादा से ज्यादा। तो फिर हम फिर कभी मिलना पड़ेगा। अभी तुम्हारे को क्या बोलते तो वहां से कब निकले थे वहां से आप लोग? यूपी से रविवार को निकले थे। कैसे आए फिर आप? ट्रेन से। किधर बदली करे ट्रेन? डायरेक्ट मारवाड़ से। मारवाड़ से तो फिर दूसरी पकड़े ट्रेन। ठीक है, क्योंकि ये जो दास्तान चल रही है कि हमारे इधर से ले गया मेरे सामने, ये जो है तो ये कहीं का लगा हुआ या कोई उंगलने में आने वाला या कहीं खजाने पे का, ऐसा नहीं है। ये जादूगर ने शमशान से या कब्रस्तान से कहीं से उसको उठा के लाया, पढ़ के बना के तैयार करके सब लाके फिर बच्चे के आंग में छोड़ दिए, जैसे भी अमला करके सब। और वो बता रहा था उसके कुछ बाल बाल लेकर गए जाकर जादू टोना करे, और उस हिसाब से क्योंकि ये लगा हुआ अगर रहता था तो सीधा चल जाता था निकल के, बाद में कभी पलट के नहीं आता था। और अगर ये दोबारा पलट के आया तो फिर ये कौन से वाला ये खिला के करके छोड़ आला, क्योंकि उसके अंदर जो दवा अटके आई हुई थी लोकची मकनातीस लोहा वो कैसा खींचता है वारान चलते रहते। खैर एक सौ जो भी दास्तान हो तो मैंने सब बता दिया, और बताने के बाद में ये सब मसले मसाइल ऐसे है कि इन सबसे अल्लाह की पन्हा मांगो। ये वबा इतनी खतरनाक है कि जब घर के एक मेंबर या एक अफराद पर जादू टोना कर दिया जाता और उसका हाल बुरा हो जाता तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। ना किसी का कमाने में दिल दिमाग लगता, ना किसी का खाने में लगता, ना किसी का दीन, ना किसी का धर्म में कहीं में दिल दिमाग नहीं लगता, सब परेशान रहते। इसलिए मेरा यही कहना रहता है कि पहले से ही सतर्क रहो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। तुम इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो तुमने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, और तुम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करेंगे और अल्लाह को हिफाजत करने वाला तुम्हारा बनेंगे तो फिर कोई भी सातों जमीन और आसमान में ऐसी ताकत नहीं जो तुमको जहमत दे सके, अगर अल्लाह तुम्हारा निगहबान है तो। और तुम अगर इबादत की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे और बोलेंगे कि नहीं क्या है ये बातों को हम मानते नहीं, हम देख लेंगे फलाना ढमका, तो ये जाहिल के जैसे बातें हो रही। पढ़े लिखे कोई जाहिल बोले अल्लाह, अनपढ़ को जाहिल नहीं बोलते, अनपढ़ गवार रहेगा, पढ़ा लिखा जाहिल रहता, अगर जानकर भी अनजाना बन रहा तो ये सब बातों से अगर तुमको बाहर जाना है तो जिक्र अस्कार इबादत मोमिन का हथियार है। और ऐसा ही नहीं है कि दुआ मोमिन के वास्ते उतरी, ठीक है दुआ मुसलमानों कुछ विरासत में नहीं मिली, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर वो इंसान उसको पढ़ सकते। दुआएं पढ़ो, दुआएं पढ़ के याद करो, तुम्हारी ढाल है, तुमको महफूज रखती, तुम्हारे को ये सब बातों से तुम महफूज रहेंगे। ये सब कट जाते हैं, सबको मार पड़ते, सतनाम अल्लाह का आजा हो रही। और बस इतना ही कहूँगा मैं, और भी तो बहुत कुछ है कहने के लिए, मगर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, सच नाम अल्लाह का अजाम हो रही। ये सब छोटे छोटे बातों पे अमल आ करो। ये सब खुद का कैसा रहता कि तुम खाना खा रहे, खाना खाने की दुआ याद करके खाना, हर चीज की दुआएं हैं, किसी के घर जा रहे तो घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ याद करना, तो तुम महफूज रहेंगे सब बातों से, नहीं तो बहुत बुरा आलम। दो मिनट रुको, जरा अजाम हो रही है, अजा के दुआ ये सब चीज़ें याद करके रखना, ये सब अमला करना। और कैसी दास्तान रहती कि तुम लोगों को बार बार बताए कि
एक दूसरे के घर पर ऐसे वारा जादू टोने के हरकते ऐसे नहीं करना, क्योंकि अकल के अंधों और कम अकल के लोगों, मैं तुमको बताता हूँ तजुर्बा, सुनो होगा और से, तुम अगर किसी पे जादू चला देते ठीक है, तुम कैमिज कुछ नहीं है, झिंगू रहे तुम अगर जादू टोना चला दे रहे ठीक है, जादूगर तुम्हारे से लेके जो भी पैसे जादू चला रहा, मगर तुमको भी और वो जादूगर को भी नालायक, ये बात समझ में आना चाहिए, ये मालूम नहीं है दिखता, कम जहन के लोग, कम इल्म के लोग है तुम लोग। जब जादू टोना चल जाता ठीक है, कोई इंसान परेशान होगा ठीक है, जब उन्हें वक्त के कोई बड़े शख्स के पास में कुतुब अब्दाल, अल्लाह ने सब रखे अले वली अल्लाह है, कुतुब है, अब्दाल है, गौस बंदा है लास्ट में अल्लाह का, किसी के भी पास में अगर वो इंसान पहुंच गया और उनकी नजर करम उसके ऊपर पड़ गई, तो फिर क्या होता मालूम, सारा जादू टोने को रिटर्न जाना पड़ता, वापिस जादू टोने को मार के पूरा वापिस कराते, और वापिस बोले तो जिसने करा उस पर फटके पड़ते, जादूगर है उसके भी आता पॉइंट ढीले हो जाते, उसको भी मार पड़ती, और जो बेवकूफ ने जाके जादूगर के पास पैसे दे के जादू कराया ना, तो उसपे भी मार पड़ती, इतनी बुरी मार पड़ती कि उसको चारों तरफ से जकड़ लेते, नहुसती नहुसती में गिर जाता हूं नहीं, कौन सा भी काम करने का, कि उसके पूरा काम बिगड़ना चालू हो जाते, कुछ बनता नहीं, धीरे धीरे तबाही बर्बादी लग के उसको पूरा परेशान होकर खत्म होकर हलाक हो जाता हूं, ये बात रहती। इसलिए बोले अल्लाह ने दूसरे के वास्ते खड्डा खोदे तो खुद अंदर गिर जाते, वो इंसान भटकते भटकते किस दिन भी अगर अल्लाह वाली शख्सियत के पास में पहुंच गया, जादू टोना हटाने के लिए जादूगर, जादूगर इतनी हटा सकता जादू टोने को, कितना बड़ा भी जादूगर, जादूगर सामरी भी आ जाएगा तो मैं जादू टोने का तोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें जादू चला सकता, उसको इख्तियार है चलाने के, हटाने के इख्तियार नहीं, हटाने के इख्तियार रहमत देने वाली जात के पास में, अजमत देने वाली जात के पास में, रहमत और अजमत देने वाली जात अल्लाह की है, और बताओ फिर कहां से जादूगर रहमत दे सकता, क्योंकि उसको जादूगर की सिर्फ जहमत दे सकता, तकलीफ दे सकता जादूगर, सिर्फ तकलीफ, सुख नहीं दे सकता, सुख देना, नजात देना, राहत दिलाना वो अल्लाह की जात है, और अल्लाह खुद जमीन पे आके नहीं देता, अल्लाह की शान के खिलाफ है जमीन पे आना, क्योंकि अल्लाह के नूर का करोड़ गुना, नूर तो छोड़ दो, खाली पर्दा हटने से पहले कोई दूर का पहाड़ जल के राख होगा था ना, मालूम है सबको, फिर अल्लाह का नूर ये दुनिया कहां से बर्दाश्त कर सकेंगी, मामूली सूरज को नजदीक आगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है धरती, तो सूरज बनाने वाले को कहां से बर्दाश्त करेगी, समझे, तो उन्हें नहीं आता जमीन पे आके फैज लेता, उन्हें अपने चुनिंदा बंदों से काम लेता, बंदे चुन लेता और उनके हाथ से फैज जारी कराता, और जब जिसके पास फैज की दरिया भरी, उसके पास अगर ये जो जिस पे भी जादू टोना चले आला, जो परेशान है उस हवा में घिर आला, उन्हें वहां पहुंच गया तो जादू टोने को रिटर्न जाना पड़ता, जिसने करा उसके तरफ जाके उसको मार पड़ना चालू हो जाती, इतने बुरे तरीके से मार पड़ती, इतने बुरे तरीके से कि जिसके हद में बयान नहीं कर सकता, फिर तुम लोग परेशान हो जाते, फिर बोलते कि हमारे काम क्यों नहीं बन रहे, फिर हमारे घर से लाशें क्यों उठ गई, फला फला अचानक क्यों मर गया, उन्हें ऐसा क्यों मर गया, वार पलटे ना, फिर वार पलटे तो तुम मरते, और बुजुर्गाने दीन और अल्लाह वाले और अल्लाह वाली शख्सियतों को तो कभी नहीं छेड़ना, कभी नहीं छेड़ना, कभी नहीं छेड़ना, कभी उनके शान में भेद भी नहीं करना, कभी भेद भी नहीं करना, क्योंकि उन्होंने तुम उनके शान में भेद भी करके देखो, बुजुर्गाने दीन के अल्लाह वालों के ओरिजिनल जो अल्लाह वाले रहते, ओरिजिनल जो बुजुर्गाने दीन रहते, उनके शान में तुम गुस्ताखी करो, उन्होंने तुम्हारा खाली ऐसा देखेंगे और देख के इग्नोर करेंगे, अल्लाह तुझे माफ करे, ऐसा बोलते हैं दिल में, अल्लाह तुझे माफ करे, क्योंकि उनको किसी कुछ नहीं लेना देना रहता, मगर उनका वारिस रब्बुल आलमीन रहता अल्लाह, और अल्लाह फिर इतने खतरनाक तरीके से जलाल में आके बदला लेता कि जिसके अंदर की मेरे अजीज बंदे को मेरे इसको कैसा बोले तुमने, क्योंकि अल्लाह ने पहले फरमा दिया ना कि वली अल्लाह के दोस्त है, और तुम उतने जो अल्लाह के लोग में फनाओगे उनको तुम बुरा बोल रहे हो, तुम्हारी जबान अभी तुम्हारी औकात है क्या दुनिया में, तुम्हारी सांसें पे हुकूमत उनकी चलती तुम्हारे सांसों के ऊपर, तुम अगर ज्यादा करेंगे मनमाने तो फिर ऐसी मार पड़ती तुम्हारे कि अल्लाह पहले फरमा देता कि किसने मेरे वलियों से अपने दिल में बुग्ज रखा, तुम वली अल्लाह के बारे में बुरा सोच रहे, बुग्ज रख रहे दिल के अंदर, फिर अल्लाह तुमसे खुली जंग का ऐलान करता, और बताओ जब अल्लाह तुमसे जंग करेगा तो तुम कहाँ के कहे में कौन से इसमें पास में बैठेंगे, अल्लाह का कोई भी साथ हो जमीन और आसमान में कहीं से कोई ताकत नहीं, सब अल्लाह के मोहताज है, जानदार भी अल्लाह के मोहताज है और बेजान भी अल्लाह के मोहताज है, फरमा दिया ना अल्लाह ने कि या माशरा जिन्न वल इंस तत्मन तनफुजू मिन अख्तार समवाति वल अर्ज फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, अल्लाह फरमा रहा कुरान में सुरहमान ने कि जिन और इंस भाग जाओ अल्लाह की रियासत छोड़ के, तुम भागो कहाँ तक भाग सकते, भागो अल्लाह की रियासत छोड़ के बाहर निकलो, तुम जहां पे भी जाओगे अल्लाह को ही सुल्तान पाओगे, जहां पर भी जाओगे तुम खुदा को ही सुल्तान पाओगे, जहां पर भी जाओगे तो हर जगह अल्लाह की रियासत है, हर जगह अल्लाह की हुकूमत है, जानदार पे भी अल्लाह हुकूमत करता, बेजान पे भी अल्लाह हुकूमत करता, जादू और टोने करके तुम एक दूसरे की जिंदगी खराब कर रहे, बहुत बुरी बातें हैं, ये सब बातों से पनाह मांगो अल्लाह की, और ये सब ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए,
मैं क्या बोलूँ तो बोलने को अल्फाज नहीं मेरे, मैं सिर्फ तजुर्बा बताता तुम लोगों को, मैंने क्या देखा प्रैक्टिकल में और क्या मैं कोई किताब में कहानियां और किससे पढ़ के नहीं सुनाता, इसलिए अल्लाह कहानी सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो ठीक है।